देखिए उस समय भी अपने यहाँ पर फव्वारे, देखिए कितना भव्य और विशाल, ये देखिए आप उस समय क्या खूबसूरत नक्काशी करी हुई है। तो हेलो गाइस, मैं इस वक्त हूँ ओरछा में और इस वक्त जो आपको वीडियो मिलने वाली है वो ओरछे किले की वीडियो मिलेगी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और ग्वालियर से करीब 110-115 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आज हम ओरछा किला का पूरा रिव्यू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ, आप देख सकते हैं पीछे जो दिख रहा है वो ओरछा किला है। तो चलिए हम अब इसके अंदर चलते हैं। तो गाइस, इस किले में मैं आपको शुरुआत करने से पहले थोड़ा बहुत मैं बता दूं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए ये किला किसने बनवाया और किन किन राजाओं ने इस किले पर अपना शासन किया। तो सबसे पहले जो ये जो किला बनवाया था वो रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था करीब 16वीं सदी में, जो कि 1501 से 1531 तक के इस किले पर रुद्र प्रताप सिंह ने राज किया। फिर इसके बाद जो है कई राजा आए, उन्होंने अपनी अलग अलग जगह बनाई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको वो जगह भी बताऊंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये जो एरिया दिख रहा है सामने, ये कार पार्किंग है, इसी के जस्ट पीछे आपको जो है वो मोटरसाइकिल टू व्हीलर पार्किंग दिख जाएगी और यहाँ से जो है हम एंटर होते हैं। ये गेट पे देखिए लोहे के सरिये हैं। तो यहाँ से जो है हम एंटर होते हैं अंदर। जैसे ही प्रवेश द्वार से हम निकलेंगे तो आपको एक आंगन मिलेगा। ये जो एंटर है ये राजा महल का एंटर है, यहाँ से हम एंटर होते हैं राजा महल के लिए। इसके बारे में भी हम आपको आगे चल के थोड़ा बताएंगे। राजा महल इस तरफ है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसमें 5 चीज़ें हैं घूमने लायक। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको राजा महल के बारे में बता दूँ, जो कि रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 से 1531 के बीच में इसकी नींव रखी। फिर उनके बेटे भारती चंद्र ने 1531 से 1554 के बीच में इस राजा महल का निर्माण किया। फिर उसके बाद जो आए वो मधुकर शाह आए, उन्होंने फिर 1552 तक के इस किले पर जो है वो राज किया। इस किले के दो भाग हैं, इस महल के जो हैं वो दो भाग हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये राजा महल दिखा दूं, फिर इसके बाद जो है आपको दूसरा भाग दिखाऊंगा, उसकी भी कहानी है। तो चलिए वो मैं बताता हूँ। चलिए हम जो हैं वो राजा महल के लिए अंदर एंटर हो रहे हैं। तो ये मेन गेट है, यहाँ पर इनके सिपाही खड़ा हुआ करते थे, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम सीधे अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इस महल का जो है वो मैप भी दिखाई दे रहा है आपको। तो आप जैसे ही अंदर एंटर हो गए तो आपको ये आंगन दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। तो देखिए उस समय भी अपने यहाँ पर फव्वारे हुआ करते थे, इस जगह पर पानी भरकर पता नहीं किस टाइप से चलता था ये। तो चलिए अब हम आगे और चलें। देखो
ये देखिए कितना भव्य और विशाल राजा महल है। ये चीज़ वाकई में बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। कितना बड़ा है, और इस जगह पे काफ़ी कमरे हैं घूमने के लिए, छोटे छोटे, छोटे से लेके बड़े तक के। तो चलिए हम आपको और दिखाएं। उनके संतानों के कमरे सामने वाले यही है। ये देखिए आप उस समय क्या खूबसूरत नक्काशी करी हुई है। पूरी छत पर चलिए हम आपको ऊपर ले चल रहे हैं, देखते हैं ऊपर से इस राजा महल का क्या व्यू आता है। ओवरऑल इस महल का जो है वो व्यू बता दूं।